नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर दिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री क्या, इनको तो बाढ़ से दस भी नहीं चाह बनने करना चाहिए। जहाँ गौतम बुद्ध और महावीर का शांति का प्रतीक माना जाता है, वैसे जिले में जब शांति कायम नहीं कर पाए तो पूरे भारत की बात है, बिहार तो संभल नहीं रहा है, पूरे भारत भी इस तरह से संभाल। लेकिन ये सपना जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री का कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले अपना बिहार को तो देखें कि किस हालात में बिहार को छोड़ कर रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं विप्लव कुमार। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विपक्षी दल को एकजुट करने के लिए निकले हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़कर अब केंद्र की राजनीति में दखल देने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए निकले हैं। इसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव सर पे है और इसी में पीएम की ख्वाहिश देख रहे हैं। इसी पे आइए हम गया वासियों से जानने की कोशिश करते हैं क्या उनका जो पीएम बनने का ख्वाहिश है पूरी हो पाएगी कि या नहीं, आइए जानते हैं। जी सर, अब सबसे पहले आपका एक न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो मुख्यमंत्री जी तो बिहार में एकजुट हो ही नहीं रहे हैं और भारत के एकजुट करने की बात कर रहे हैं। बिहार में जो सात दल के सरकार चल रही, सात दलीय सरकार चल रही है, उसमें एकजुटता है ये नहीं है, है? और वे चल रहे हैं बंगाल के में एकजुट करने के लिए, चल रहे हैं कि दिल्ली में एकजुट करने के लिए, चल रहे हैं यूपी में एकजुट करने के लिए, एकजुटता की बात नहीं हो रही है, सब व्यक्तिगत मुलाकात हो रही है। और बिहार में नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर दिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री क्या, इनको तो बाढ़ से दस भी नहीं चाह बनने देना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी होगी, जिस तरह से अभी हमारे बिहार में रामनवमी के लेकर जो जुलूस निकला था, जिसके चलते हमारे नालंदा बिहार शरीफ जहाँ गौतम बुद्ध और महावीर का शांति का प्रतीक माना जाता है, वैसे जिले में जब शांति कायम नहीं कर पाए तो पूरे भारत की बात है, बिहार तो संभल नहीं रहा है, पूरे भारत किस तरह से संभालेंगे। और जहाँ की रही खैर बात, उनको विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, ममता बनर्जी का भी वही हाल है, जितना भी जुलूस निकला था वहाँ हिंदू मुस्लिम का दोनों का धारक बनाकर वहाँ एक दूसरे से लड़ा दिए, और दोनों राजनीतिक जो जिस तरह का पार्टी है, अगर जो भी धर्म जाति के नाम पर जो भी राजनीति करेगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते। देखिए, मेरे नज़र से तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लायक हैं ही नहीं, एकदम है ही नहीं। और ये प्रधानमंत्री का उनका सपना देखना ही बेकार है, अगर खुली आँखों में अगर सपना देख रहे हो भी बेकार है, लोग तो सोकर सपना देखते हैं लेकिन खुली आंखों में सपना देख रहा है तो ये बेकार है सपना देखना। देखिए, सपना तो सबको होता है, सपना सारे लोग देखते हैं, लेकिन सपना पूरा सिर्फ कई एक ही वो को होता है। लेकिन ये सपना जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री का कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले अपना बिहार को तो देखें कि किस हालात में बिहार को छोड़ कर रखे हैं। अभी जंगल राज पे आइए गए हैं और कितना वादा किए हैं सरकार बनने से पहले, अभी दोनों पार्टी वादा किए थे कि इतना लाख नौकरी देंगे, इतना रोज़गार देंगे, वहाँ तक सरकार उनका महागठबंधन से बन भी गया है और कहाँ देख रहे कि भी आपका नौकरी रोज़गार दे रहा है और नौकरी हो रहा है, किसी को तो नहीं देख रहे हैं। और ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये उनका विफल है, कभी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। शहर के नगर प्रखंड के कंडी गाँव में मौजूद हो और यहाँ पर नीतीश कुमार जो बिहार के विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और इस पर हमने राजनीतिक चर्चाएं की, इस पर काफ़ी लोगों ने बोला और क्या बोला अभी सुने हैं। आइए इसी तरह से आप बने रहें हमारे साथ और आप देखते रहें एक न्यूज 24। विप्लव कुमार, एक न्यूज 24, गया।